चलिए दोस्तों, ये क्लास है आपकी लॉ की। और जिन लोगों ने आज तक लॉ नहीं पढ़ा है, मैं उन्हें बता दूं कि आज के बाद उन्हें इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कोई नहीं लगने वाला। यस, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस। ठीक है जी, तो मुझे जरा एक बात बता दें फटाफट कि आप ये बताएं मुझे कि आप रोड्स पर व्हीकल तो चलाते होंगे। बोली हाँ या ना? हाँ सर, जरूर चलाते हैं, क्यों नहीं चलाते? कोई कहेगा जी मैं बाइक चलाता हूं, कोई कहता है कार चलाता हूं, ठीक बात है। क्या ये रेड लाइट पर रुकते भी हैं आप? कुछ कहेंगे जी नहीं, जी नहीं, ये तो हमारा धर्म ही नहीं है, हम तो जंप करते हैं रेड लाइट हमेशा। लेकिन रेड लाइट जंप करने से भाई खतरे भी तो बढ़ जाते हैं, है ना? कुछ लोग कहेंगे नहीं जी नहीं, हम तो रेड लाइट का, इन रूल्स का पालन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का क्यों करते हैं भाई, एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। और जरा सोचिए, आज तो इतना ट्रैफिक है इन रोड्स पर, क्या आपके दादा के जमाने में इतना ट्रैफिक रहा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, दादा पर दादा के जमाने में इतना ट्रैफिक कहां था। तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा होगा, जरा बताइए क्या कुछ सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी होगी या नहीं? हां जी हां, जरूर पड़ी होगी। पहले जब साइकिलें चलती थी भाई तो रूल्स भी नहीं थे, बैलगाड़ी चलती थी तो रूल्स भी नहीं थे, लेकिन जब सड़कें बनी, मोटर व्हीकल्स का नंबर बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट भी ज्यादा होने लगे होंगे भाई। तो सामने आ गई समस्याएं, प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम कौन सी? प्रॉब्लम्स आई कि एक्सीडेंट का नंबर बढ़ गया जी, एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ गया। तो फिर सॉल्यूशन लोगों ने क्या निकाला कि भाई अब तो इसके कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई जो भी ट्रैफिक का एक पार्ट है, यानी जो रोड पर चल रहा है, कोई व्हीकल चला रहा है, तो उसे इन नियमों को मानना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स बना दिए, लेकिन भाई रूल्स को कौन मानता है जब तक कि उन्हें कानून ना बना दिया जाए, ठीक बात है या नहीं? तो ट्रैफिक रूल्स की एक लंबी लिस्ट बनाई गई और एक रूल बुक तैयार हो गई। ट्रैफिक रूल्स की ये रूल बुक को क्या किया गया? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास करवाया गया। पार्लियामेंट में जब ये पास हो गया कि हां जी हां ये लॉ बन जाना चाहिए, तो पार्लियामेंट में इन ट्रैफिक रूल्स को, इस रूल बुक को पास जब कर दिया गया, तो ये बन गया एक एक्ट। यानी ये रूल बुक क्या है? ट्रैफिक के रूल्स की एक बुक, पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसे क्या नाम दे दिया जाएगा? एक एक्ट। और ये एक्ट किस चीज का है भाई? मोटर व्हीकल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नाम रखा गया मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है जी, इसी तरह जरा सोचिए, जब बिजनेस में, बिजनेस के अंदर बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि फ्रॉड्स वगैरह शुरू हो गए होंगे, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। किसमें? कॉमर्स में, बिजनेस में लोगों ने फ्रॉड करने शुरू कर दिए, नुकसान करना शुरू कर दिया लोगों का। वादे तो कर लेते थे मगर पूरा नहीं करते थे, तो भाई इस तरह की भी तो समस्याएं आने लगी, तो इनका भी सॉल्यूशन ढूंढा गया होगा। क्या ये बात ठीक है या नहीं? यस, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा गया। और कॉमर्स से जुड़े, बिजनेस से जुड़े रूल्स आए,
यानी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे उन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रूल्स बनाए गए, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। तो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, कॉमर्स से जुड़े इन रूल्स को बनाया गया और इनकी भी एक रूल बुक तैयार कर ली गई। ठीक है जी, इनकी भी एक रूल बुक तैयार की गई और इसको भी क्या कर लिया गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसे भी पास करवाया गया। और जब कोई रूल बुक इस तरह से पार्लियामेंट में पास हो जाती है दोस्तों, तो हमने उसे क्या नाम देना है, एक्ट। ठीक बात है कि नहीं? और जाहिर सी बात है भाई, इस एक्ट का नाम भी उसी के काम से जुड़ा होगा, तो भाई नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये 1872 में पास हुआ दोस्तों, सन 1872 में। यस, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है ये, अंग्रेजों के जमाने का। और हमारा देश तो उस समय अंग्रेजों के कब्जे में था भाई, उनके गुलाम थे भाई हम। तो इसका मतलब कौन सी पार्लियामेंट में ये पास हुआ गा? जरूर ब्रिटिश पार्लियामेंट रही होगी, लोग तो ये सोचेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे भाई हम। अरे नहीं भाई, नहीं, कब्जे में तो थे मगर पार्लियामेंट जो थी वो इंडिया की ही थी, चलाते कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो अगर ये एक्ट पास हुआ तो भाई इट वॉज पास्ड इन, कोई आपसे पूछ ले तो कौन सी पार्लियामेंट में पास हुआ, आप कहिएगा ये पास हुआ था जी इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है जी, इंडियन पार्लियामेंट में ये पास हुआ। ठीक है जी, अब ये एक्ट ना बहुत ही मोटा था, बहुत ही हेफ्टी, बहुत सारे पेजेस थे भाई इसमें। तो क्या किया गया, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सोचा गया कि कुछ हिस्सा इसका हल्का कर दिया जाए। तो 1930 में, सन 1930 में क्या किया गया, इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी गुड्स को बेचने से जुड़े जितने भी प्रोविजंस थे उन सबको अलग करके एक नया एक्ट बना दिया। कौन से प्रोविजंस अलग किए, गुड्स को बेचने से जुड़े, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारे सामने आ गया। कब, 1930 में। भाई इसका मतलब तो यह हुआ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जन्म कहां से हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही से तो निकला। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब यह कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट को रिपील किया गया कहां से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और एक नया एक्ट बना दिया गया। थोड़ा सा बोझ, थोड़ा सा बल्क, थोड़ी सी हेफ्टीनेस इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की घट गई। दो साल बाद सरकार फिर से जागी। हां, दो साल बाद, साल आ गया 1932 और 1932 में पार्टनरशिप से जुड़े हुए जितने भी प्रोविजंस इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे वो पार्टनरशिप से जुड़े प्रोविजंस इसमें से अलग कर दिए गए और एक नया एक्ट सामने आया और नाम था उसका पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बात समझ आई? तो भाई ये बात तय हुई कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली किसका पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो हम काम शुरू करने वाले हैं वो काम शुरू होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो दोस्तों आप इसे फटाफट से नोट करें और फिर हम चलेंगे इस एक्ट की शुरुआत पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस दिन ये एक्ट लागू हुआ था, वो दिन था 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट पास हुआ था। ये डेट ये पूछी जाती है एग्जाम में, आपको याद रहनी चाहिए 1 सितंबर 1872।
1872 पास कौन सी पार्लियामेंट में हुआ था? इंडियन पार्लियामेंट में, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जल्दी से जल्दी नोट करिए, फिर आज का काम हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी? नोट कर लीजिए दोस्तों इसे। तो भाई ये समझने की ही कहानी थी बस, कि जब कोई प्रॉब्लम निकलती है तो लॉज बनाए जाते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो, ठीक है ना? तो लॉ क्या है भाई? समाधान है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट? तो जिस तरह से हमने इस समस्या का समाधान किया, उसी तरह से कॉमर्स में भी समस्याएं जो आती रही उसका समाधान करने के लिए हमने ये सब रूल्स बनाए। ये सिस्टम याद रखिएगा, ये हर एक केस में अप्लाई होता है दोस्तों, हर एक केस में। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? यानी लॉज का बेस क्या है? कहीं ना कहीं से समस्याएं सामने आई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नए रूल्स बनाए गए, उन रूल्स को पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है, वो बन जाते हैं ये एक्ट, और उसका नाम उसी हिसाब से रखा जाता है भाई, ताकि उसके पहचान करने में उसको आसानी हो, ठीक है ना? नाम बता देगा आपको कि उस एक्ट का काम क्या है। जल्दी से जल्दी नोट करिए दोस्तों। लेफ्ट वाला पोर्शन आई बिलीव नोट कर लिया होगा सबने, है ना? तो क्यों ना इसे रब कर दिया जाए। राइट वाला पोर्शन भी जल्द से जल्द नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चला जाए, ये नोट कर चुके होंगे आप। अब हम चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। तो मेरे भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जरा हम शुरुआत करने वाले हैं। इसकी शुरुआत होती है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, और अब हम कुछ एग्जांपल्स की बातें करने जा रहे हैं, ठीक है जी? मैं आपसे पूछता जाऊंगा और आप जवाब देते जाइएगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम, अरे भाई, सबसे पहला काम मुझे आप ये बताएं, क्या आपने आज तक कभी अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया कि भाई घर पे आ जाना और हम कुछ खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, मौज करेंगे? अक्सर बुलाते हैं दोस्त एक दूसरे को भाई, आपने भी बुलाया होगा, जाहिर सी बात है। ये तो इसमें
कोई शक नहीं कि भाई दोस्तों के साथ खेला जाता है, खेलते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। ऐसे ही हमारे दो मित्र थे, दो मित्र, एक थे मिस्टर ए और एक थे मिस्टर बी। ए ने बी से कहा, भाई चाय पर बुलाऊंगा तुम्हें, बोलो आओ ना खेलेंगे। कहता भाई सूखी सूखी चाय नहीं पियेंगे हम, कुछ खाने पीने के लिए भी मंगाओ। कहता भाई तू ये बता खाना क्या, ये बोल। कहता ऐसे भाई देख, एक तो बड़े वाला पिज्जा, चल ज्यादा बड़ा हो गया, एक तो बड़े वाला पिज्जा मंगा लेना मेरे लिए, दो बर्गर मंगा लेना, एक बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक, और फिर जब मैं आऊंगा खाने पीने का ऑर्डर बाद में दे देंगे, तो मेरे आने से पहले ये सब रेडी होना चाहिए। तो भाई ठीक है, इन्हें कहा बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है, ये सब काम रेडी रहेगा। तो ए ने बी को चाय पर बुलाया, ए ने उसे एक ऑफर दी कि भाई आ जाना, जैसे ऑफर देते हैं हम, और सामने वाले व्यक्ति ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी मैं जरूर आऊंगा, ना आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो भाई ए ने अपना खर्चा वर्चा करके जो बी ने कहा था सारी चीजें मंगा ली। अब जो ड्यू डेट, जो टाइम ए ने बताया और बी ने कहा हां जी हां मैं आऊंगा, ए ने बी के कहने पर सब सामान तैयार करके खर्चा रखा, लेकिन बी उस बात को एक्सेप्ट करने के बावजूद नहीं आता। तो क्या बी ने अपना वादा तोड़ा या नहीं? बिल्कुल तोड़ दिया जी। अब ए बेचारा चक्कर काट रहा है, यार बी आया नहीं, सब सामान ठंडा हो रहा है, खर्चे मेरे हो गए, इतना सारा सामान मंगा लिया, खाएगा कौन? और बी कह रहा है यार आज ना आ नहीं पाऊंगा भाई। ए को आया गुस्सा, ए ने कहा अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करूंगा। केस फाइल करने की बात शुरू हो गई। बताइए जरा, क्या ए का नुकसान हुआ या नहीं? यस। बी ने आने का वादा करके वादा तोड़ा या नहीं? यस। तो भाई बी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बोलिए फटाफट। बी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, आप कुछ सोचते रहिए। मैं फिलहाल के लिए इस केस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूं और इसके ऊपर आएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? आप अपने दिमाग में सोचिए कि वाकई बी के खिलाफ केस दायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं फिलहाल इस केस को यहीं पर रोक कर आगे चलने वाला हूं। अगला केस, मान लीजिए कि एक था बेचारा हस्बैंड, बेचारा हस्बैंड, और एक थी उसकी वाइफ। हस्बैंड आज भाई साहब बहुत खुश है और वाइफ से बोलता है, हां अरे ओ भाग्यवान, सुनो तुम्हारे लिए आज अगर मैं सोने का हार लेकर आऊं तो क्या एक्सेप्ट करोगी? भला कौन मना करेगी भाई, कहती हां जी हां मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी, आप लेके तो आओ। हस्बैंड ने कहा ठीक है, वादा है मेरा कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये सोने का हार लेकर आऊंगा, गोल्ड नेकलेस की बात हो गई। और भाई साहब शाम हुई और अब तो बीवी रानी उसकी भाग्यवान इंतजार कर रही है कि अब तो आया मेरा सोने का हार। पता चला जी हस्बैंड हमेशा की तरह वादा करके भूल गया, गोल्ड नेकलेस नहीं लाया। तो भाई साहब बीवी को आया गुस्सा और कहती है अब तो मैं आपके खिलाफ केस फाइल करूंगी, वादा किया मगर आपने उसे तोड़ दिया, अब तो जो है केस फाइल करूंगी। अब बताइए क्या इस बेचारे हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल हो सकता है? सोच लीजिए, मैं फिर इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूं, फिर इस केस पर आएंगे।
आप सोच लीजिए भाई कि केस फाइल हो सकता है या नहीं। ठीक है जी, अगला केस। एक थे मिस्टर एक्स और एक थे मिस्टर वाई। एक्स ने वाई से कहा कि मिस्टर वाई, मेरे पास एक कार है भाई, बोलो 2 लाख रुपए में तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं, ये कार क्या खरीदोगे? ए ने, एक्स ने उसे ऑफर दी और वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, हां जी हां ये तो बहुत ही बढ़िया कार लग रही है, मैं इसे 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, कल पैसे ले आऊंगा, तैयार रखना कार के कागज और कार कार की चाबियां। भाई अगले दिन अगर वाई पैसा लेकर आए और एक्स उसे ये कार बेचने से मना कर दे, तो क्या वाई अब एक्स के खिलाफ केस दायर कर सकता है या नहीं? या रिवर्स हो जाए कि भाई एक्स तो अब कार बेचने को तैयार था मगर वाई अब कहता जी मुझे कार नहीं खरीदनी, तो क्या यहां पर जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी है जिसने वादा कर कर उसे ना निभाया, क्या उसके अगेंस्ट केस दायर हो सकता है या नहीं? आइए देखें, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर के लिए इसे भी साइड रखते हैं, फिर आएंगे इस पर। तब तक आप सोचिए इसके बारे में। अगला भी सुन लो भाई, पता चले कि उसके बारे में ही सोच रहे हो, अगला सुनो ही ना कहीं, ऐसा मत करना। दूसरा केस, एक और केस, चौथा केस आ गया भाई ये तो। तो एक थे मान लो मस्जिद में मौलाना साहब, मौलवी साहब होते हैं ना, तो एक मॉस्क में ये मौलाना साहब नमाज पढ़ाया करते थे भाई, और एक नमाजी था वो रोज इस मस्जिद में आकर 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता, नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है, तो भाई रोज जब भी आए वो मौलाना साहब से कहता है ये मस्जिद की दीवार जो टूटी हुई है जी, इसको बनवाते क्यों नहीं हो? अब बेचारे मौलाना साहब चुप रह जाते, 5 वक्त आए दिन में और 5 बार एक ही बात बोले। एक दिन तो भाई साहब मौलाना साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भाई तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम क्यों नहीं पैसे दे देते, मैं इसे रिपेयर करा दूंगा। अचानक से नमाजी का दिमाग खराब, अरे आज क्या हो गया भाई मौलाना साहब को इतने गुस्से में कैसे आ गए? कहते अच्छा अच्छा मौलाना जी, एक काम करना, आप ना मेरे घर आ जाना और मैं आपको इस मस्जिद की दीवार की रिपेयर के लिए 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए। अब हंसना मत मेरे दोस्त, बात बहुत पुरानी है, 100 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी, तो मस्जिद की दीवार की रिपेयर के लिए 100 रुपए देने का वादा कर लिया इस नमाजी ने और टाइम दे दिया कि मौलाना जी उस दिन आ जाना मेरे पास और मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। मौलाना साहब खुश हो गए, कहते ठीक है जी बिल्कुल आऊंगा, और जिस वक्त दिए गए वक्त पर मौलाना साहब पहुंचे, नमाजी ने दरवाजा खोला घर का, कहता जी आप कौन, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मतलब साफ था उसका भाई कि अब वो 100 रुपए देने से कतरा रहा था, नहीं देना चाहता था। तो क्या मौलाना साहब उसके इस वादा खिलाफी पर जो उसने वादा तोड़ दिया, क्या उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं या नहीं? सोचिए इसके बारे में भी। तो मेरे भाई अब एग्जाम्पल की जगह खत्म हो गई है, एग्जाम्पल भी खत्म करते हैं और चारों का डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है ना? पहले केस की बारी, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब में एक चीज कॉमन नजर आ रही है भाई मुझे, कॉमन ये नजर आ रहा है कि इसमें एक व्यक्ति ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करके प्रॉमिस कर देता है, ठीक है जी, या कहीं ना कहीं इसमें एक दूसरे के प्रति प्रॉमिस जरूर है, ठीक है ना? अब ध्यान रहे कि अगर एक ऑफर दी जाए
और दूसरी तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है जी। तो ये कहलाता है दोस्तों एग्रीमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? ये एग्रीमेंट। फॉर द टाइमिंग तो आप यही समझ लीजिए कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैं इसे यहां पर प्रॉमिस भी कह सकता हूं, ठीक है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के लिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के लिए फिलहाल हम इसे एग्रीमेंट कह रहे हैं, लेकिन ये प्रॉमिस भी होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। फिलहाल के लिए मान के चलिए कि प्रॉमिस और एग्रीमेंट एक ही चीज है, जबकि एक बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। तो मान के चलते हैं कि एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और प्रॉमिस में भी फिलहाल यही मान लीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉमिस तो है। और इन चारों में एक चीज कॉमन है कि उस प्रॉमिस को, उस एग्रीमेंट को तोड़ा भी गया, ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए तो दूसरी पार्टी केस फाइल करना चाहती है। तो मैं अब इन चारों तरीके के एग्रीमेंट्स को, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हर एक में है इसलिए मैंने सभी को एग्रीमेंट कह दिया, मैं चाहूंगा कि हम एक बार ना जरा ये तो देखें कि भाई इन एग्रीमेंट्स का आखिरकार टाइप क्या है, किस तरह के ये एग्रीमेंट है, ठीक है कि नहीं? तो आइए जरा इसके बारे में देखें। ये तो मुझे घर वाली बातें लग रही हैं भाई, दोस्ती यारी की बातें लग रही हैं, सोसाइटी की बातें लग रही हैं, चाय पर बुलाया गया है भाई मेरे दोस्त। तो मैं इस एग्रीमेंट को जो ए और बी के बीच हुआ, अगर मैं इसे सोशल एग्रीमेंट कह दूं तो कैसा रहेगा मेरे भाई? मेरे ख्याल से तो ये ठीक टर्मिनोलॉजी है। और ये घर वाली बातें, मियां बीवी की बातें, जब हस्बैंड ने वाइफ से कहा था अरे ओ भाग्यवान तुम्हारे लिए हार लाऊं तो लोगी एक्सेप्ट करोगी, और लाया नहीं था भाई हार, तो ये कैसा एग्रीमेंट है? घर वाली बातें। अगर मैं इसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट कह दूं तो ठीक होगा? यस। और ये कैसा? कार बेचने की बात की गई भाई, कार बेचने की बात, पैसे की बात की गई, बिजनेस की बात की गई। अगर मैं इसे कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट कह दूं तो ठीक रहेगा कि नहीं? हां जी हां सर, बिल्कुल ठीक रहेगा, कमर्शियल एग्रीमेंट ही कह दो इसे। कह दिया भाई। और ये कैसा? ये भी सोसाइटी वाला, तो इसका नाम भी क्या है? ये भी कैसा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट, ठीक बात है कि नहीं? अब एक बात बताइए, आप एक पेन खरीद कर लाते हैं, कॉपी खरीद कर लाते हैं, जरा बताइए कि पेन या कॉपी खरीदने के बाद पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते मेरे भाई? यस। आप ये क्लासेस देख रहे हैं फ्री में देख रहे हैं? नो, पैसे देने पड़ रहे हैं भाई। तो ज्यादातर जो हम एक्टिविटीज देखते हैं वो कैसी एक्टिविटीज होती है? इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके लिए कुछ ना कुछ देने पर ही हमें कुछ ना कुछ मिलता है, यानी समथिंग इन रिटर्न। क्या? समथिंग इन रिटर्न। तो मैंने अगर भाई कुछ खरीदना है तो पैसे दूंगा और चीज ले लूंगा। इसका मतलब यह हुआ, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जहां पर दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न शामिल था। क्या शामिल था? समथिंग इन रिटर्न। हम तो भाई बातें किसकी कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, कमर्शियल नेचर वाले, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें होंगी। कुछ दिया और कुछ मिला, समथिंग इन रिटर्न। दोस्तों इसे टेक्निकली कहा जाता है, टेक्निकली इसे कहा जाता है कंसिडरेशन।
क्या बोलते हैं इसे टेक्निकली, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग इन रिटर्न. अब जरा चेक करते हैं कि भाई क्या इस केस में दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन थी या नहीं. भाई ए ने बी को बुलाया, बी को तो खाने पीने को मिलेगा, ए ने तो खर्चा कर दिया, मगर ए को मिला क्या? इन रिटर्न दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद देखा जाए तो नहीं है. एक के लिए है मगर दूसरे के लिए नहीं. और दूसरा केस यहां पर भी क्या है, हस्बैंड तो भाई गोल्ड नेकलेस ला के दे देगा, क्या वाइफ उसे पैसे दे रही है? नो. इसका मतलब यहां पर भी दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न नहीं है. तीसरा केस अगर देखा जाए तो कार किसकी थी मेरे भाई? एक्स की. और वाई के क्या थे? 2 लाख रुपए. कार एक्स ने बेचनी थी और वाई ने खरीदनी थी. इसका मतलब कार एक्स के पास जाती, एक्स के पास से जाती, वाई के पास चली जाती, तो मिलता भी तो सही कुछ ना कुछ. बोलो क्या मिलता? 2 लाख रुपए. और वाई को उसके दिए गए 2 लाख रुपए के बदले में क्या मिला? कार मिली. इसका मतलब यहां पर दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न था. ठीक बात है ना? यानी ये एक ऐसा केस है जहां पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन मौजूद है. ठीक बात है कि नहीं? थोड़ी डिजाइनिंग कर देते हैं. और आखिरी केस, नमाजी तो मेरे भाई 100 रुपए दे रहा है, लेकिन क्या मौलाना उसे कुछ देगा उस बदले में? बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न यानी कंसिडरेशन मौजूद नहीं थी. तो ध्यान से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में, पहले केस में, दूसरे केस में और चौथे केस में समथिंग इन रिटर्न दोनों पार्टीज के लिए मौजूद नहीं था, जबकि कमर्शियल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर दोनों पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न मौजूद था. ठीक है ना? मैं अभी उस पर भी आने वाला हूं कि भाई केस फाइल हो सकता है या नहीं. ठीक है या नहीं? उस पर भी आएंगे. अगला पॉइंट वही है. ठीक है ना? अब जरा ध्यान से सोचा जाए कि जब ए ने बी को घर पर चाय के लिए बुलाया था, खेलने के लिए बुलाया था, तो क्या सोचा था कि भाई अगर बी नहीं आया तो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा? क्या सोशल एग्रीमेंट्स में ऐसा होता है? नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हम प्रिज्यूम करते हैं, प्रिजम्पशन लेते हैं कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वहां पर नहीं होती. ठीक बात है कि नहीं? तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप यहां पर तो मेरे भाई नहीं होती. ठीक है ना? अब डोमेस्टिक एग्रीमेंट में क्या वाइफ ने सोचा था भाई आज हार नहीं आया तो केस फाइल कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब तो यह हुआ यहां पर भी घर के अगर ऐसे केसेस में देखा जाए तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती. हस्बैंड तो भाई रोज वादा करते हैं और रोज तोड़ देते हैं. अगर ऐसे केस में कोर्ट में जाने की इजाजत दे दी जाए तो सारी बीवियां कोर्ट में ही नजर आएंगी. ठीक है कि नहीं? तो मेरे भाई ऐसा है, यहां पर तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन ये जो कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है जहां दोनों तरफ से कंसिडरेशन मौजूद है, ऐसे केस में अगर कोई भी पार्टी अपना वादा तोड़ेगी, डिफॉल्ट करेगी, तो दूसरी पार्टी इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है. कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में यह प्रिजम्पशन ली जाती है कि यहां पर हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद होती है. यानी हम यहां क्या बात कर रहे हैं कि
प्रिजम्पशन ली जाती है या नहीं। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हर बार ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हमेशा मौजूद होती है। क्या ये बात समझ में आई? और हाउस होल्ड यानी डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट में और सोशल नेचर के एग्रीमेंट में, जैसे कि हमारा फोर्थ केस भी है, इन सब में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। हां, अगर एग्रीमेंट लिखते समय करते समय कह दिया जाए कि भाई अगर तुमने काम ना किया तो केस फाइल करूंगा और दोनों उस पर राजी हो जाएं, यानी उन पर्टिकुलर केसेस में जहां पर यह लिख दिया जाए कि यहां पर हमारी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, तो फिर वहां पर भी इंटेंशन मानी जाएगी और केस दायर किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये प्रिजम्पशन है मेरे भाई। इन जनरल हर एक कमर्शियल एग्रीमेंट में प्रिज्यूम किया जाएगा कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मौजूद है, और इन सब केसेस में सोशल और डोमेस्टिक में, सोशल में, इन सब में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती जब तक कि स्पेसिफिकली ये बात एग्रीमेंट में ना लिख दी जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? ये मेरे भाई हमने एक बेस स्टार्ट किया है, अच्छी तरह से इसे पढ़िए, जिसके दिमाग में ये चीज बैठ गई आगे का काम उसके लिए बेहद आसान होगा। नोट करिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्पीड से नोट करिएगा।
हाँ जी, नोट कर लिया दोस्तों। तो अब आगे चला जाए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, है ना? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, आइए वो देखें। कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट है ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये दो चीजें तो उसमें आएंगी ही आएंगी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और वो क्या बन जाता है, हम सब जानते हैं, बन जाता है वो एक एग्रीमेंट। हर वो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी इस एग्रीमेंट में अगर ऐड कर दिया जाए क्या, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे भाई ये बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये आता है कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। बिल्कुल ठीक बात है, यही हुआ इसका मतलब, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी हर वो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो। सवाल यह आता है कि एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एनफोर्स करवाने का मतलब यह है कि जब सामने वाली पार्टी अपना वादा तोड़ दे तो हम उसे उसका वादा निभाने के लिए मजबूर कर सके। किसके जरिए? लॉ के जरिए, लॉ के जरिए। यस, तो इसका मतलब हर वो एग्रीमेंट जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करवाया जा सके वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्रीमेंट का एग्जाम्पल लिया था जहां पर एक्स ने वाई को कार बेचने की बात कही थी, कितने रुपए में, 2 लाख। तो भाई 2 लाख रुपए में कार बेचने की बात की गई, एक्स ने वाई के साथ कार बेचने का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी। और अगर एक्स तो कार बेचने के लिए राजी है मगर वाई वादा करने के बावजूद अपना वादा तोड़ देता है, लेटर ऑन इनके बीच का ये एग्रीमेंट हुआ, लेटर ऑन वाई डिनाइज टू परचेज, तो भाई इसका नुकसान, मिस्टर एक्स का नुकसान हुआ या नहीं? यस। तो वादा तोड़ देने पर, दूसरे व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं भी हुआ तो भी मेरे भाई वादा तो तोड़ा। यस, तो अब एक्स क्या करेगा? एक्स कहेगा कि मिस्टर वाई आपको ये वादा निभाना पड़ेगा नहीं तो आपको मेरे लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी।
एक्स अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवाना चाहता है, तो कोर्ट देखेगा कि भाई ये एग्रीमेंट तो कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है, और कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट जो होता है वो तो मेरे भाई एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। कमर्शियल एग्रीमेंट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, क्योंकि उनमें कंसिडरेशन भी है और प्रिजम्पशन भी ली जाती है दैट दीज आर ऑलवेज ऑलवेज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अगर वाई ने अपना वादा ना निभाया तो एक्स क्या कर सकता है? एक्स कैन सू, सू यानी केस दायर करना। एक्स कैन सू वाई एंड कंपेल हिम थ्रू कोर्ट टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, यानी उसे उसका वादा निभाने के लिए मजबूर कर सकता है। इसीलिए इसी को हम कहते क्या है? एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल नजर आया ये किसका एग्जाम्पल है? एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ का एग्जाम्पल है मेरे भाई। यानी सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि अगर एक व्यक्ति अपना वादा तोड़ दे, दूसरा पर्सन उस व्यक्ति को उसका वादा निभाने के लिए कोर्ट के जरिए मजबूर कर सकता है, तो जिस एग्रीमेंट में वो उसे मजबूर कर पाएगा वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और जिस एग्रीमेंट में एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी वो एग्रीमेंट तो रह जाएगा मेरे भाई, मगर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि अभी हमने देखा कि एग्रीमेंट के कितने टाइप्स है भाई। हमने देखा कि एग्रीमेंट तो हमारे सामने तीन तरह के नजर आए। कौन कौन से नजर आए? सबसे पहला हमें नजर आया एक तो भाई सोशल एग्रीमेंट, दूसरा नजर आया डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और इनमें प्रजम्पशन क्या ली जाती है? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस और अनटिल इट इज मेंशनड इन एन एग्रीमेंट। तो इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब तक लिखा नहीं है, ठीक है कि नहीं? अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशनड, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशनड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस इट इज मेंशनड स्पेसिफिकली इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। Hence, no enforceability by law. इसका मतलब भाई यहां तो enforceability by law आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है ना? Unless or until it is mentioned in a contract. तो जब तक specifically mentioned नहीं है तब तक इसमें कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, ठीक है जी? लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कौन से नेचर के एग्रीमेंट्स की, कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स की, तो भाई यहां तो हमेशा ही प्रजम्पशन ली जाती है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? देयर इज
always an intention to create legal relations. ठीक है, हेंस दीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. यानी जो कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स है वहां पर तो प्रिजम्पशन ली जाएगी कि यहां पर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है, और डोमेस्टिक और सोशल में हम ऐसा नहीं करेंगे. इसका मतलब यह बात तय हुई कि वही एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी लाई जाए वही क्या बन पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट. एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर सामने वाली पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाया तो हम कोर्ट के जरिए, लॉ के जरिए उसे मजबूर करेंगे. और कमर्शियल नेचर में उसे हमेशा ही मजबूर किया जा सकता है, लेकिन सोशल और डोमेस्टिक नेचर में तब तक मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप उसमें स्पेसिफिकली मेंशन ना हो. अगर है तो कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे. और जनरल प्रिजम्पशन ये होती है कि इसमें देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. फटाफट से इसे नोट करिए और मेरा अगला सवाल सुन लीजिए ताकि जब तक आप लिखें आपका कुछ दिमाग चलता रहे. अगला मेरा सवाल यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट. सोच समझ कर बोलिएगा, सोचना भी सोच समझ कर मेरे भाई, सोचना भी सोच समझ कर. जल्दबाजी में अपना आंसर मत दीजिएगा. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट. लिखते लिखते दिमाग चलाइए, फिर हम इसके बाद बात करेंगे. जल्द से जल्द नोट कर लीजिए. तो ये था हिस्सा एनफोर्सिबिलिटी का. ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन हमने किसके लिए किया है, मार्क किसके लिए किया है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ को सीखने के लिए हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा है. मेक श्योर कि आप इसे एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ को अच्छी तरह से यहां हाईलाइट करें. ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ को बताता है. लिखते रहिए साथ साथ, और साथ साथ मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किससे बना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से, और अगर उस एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाए तो यह बन जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. क्या हो गई, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने वादा करने के बाद अपना वादा ना निभाया तो हम उसे उसका वादा निभाने के लिए कोर्ट के थ्रू मजबूर करेंगे. यही क्या है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. ठीक है जी, और किन किन केसेस में आप ऐसा कर पाएंगे ये हमने देख लिया. कमर्शियल नेचर में ऐसा कर पाएंगे, सोशल और डोमेस्टिक में ऐसा नहीं कर पाएंगे. लेकिन
अगर सोशल और डोमेस्टिक में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए कि उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी तो उसमें भी ऐसा किया जा सकता है। जल्द से जल्द नोट करिए दोस्तों, और फिर हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दैट विच वन इज अ वाइडर टर्म, विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट वाला पार्ट मैं रब करने जा रहा हूं, आई बिलीव सबने ये लिख लिया होगा, और राइट वाला आप लिख लीजिए। तो दोस्तों वाइडर का मतलब क्या होता है? वाइडर, वाइडर का मतलब होता है जिसका दायरा बड़ा हो। लोग सोचेंगे भाई कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट में कुछ ऐड करो तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म। ये आंसर पूरी तरह गलत है। वाइडर का यहां मतलब है कि किसका नंबर ज्यादा है। ज्यादा क्या होते हैं जरा सोचिए, दुनिया में एग्रीमेंट ज्यादा होते होंगे या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते होंगे? जाहिर सी बात है भाई, एग्रीमेंट ज्यादा होते हैं। एग्रीमेंट तो कई तरह के देख लिए ना आपने, ये देखिए आपके सामने, सोशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं रोज, डोमेस्टिक एग्रीमेंट की तो कोई इंतहा ही नहीं है, और कमर्शियल एग्रीमेंट्स भी होते हैं रोज। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन बन पाया? कॉन्ट्रैक्ट तो केवल वही बन पाया जिसमें एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ थी, यानी कमर्शियल एग्रीमेंट्स ही इन जनरल क्या बन पाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई नंबर के हिसाब से, दायरे के हिसाब से कॉन्सेप्ट वाइडर कौन सा है? और वो है एग्रीमेंट, क्योंकि ज्यादा क्या बनाए जाते हैं? एग्रीमेंट्स ज्यादा बनते हैं, और सोशल, डोमेस्टिक, कमर्शियल, कई तरह के एग्रीमेंट्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट केवल वही बन पाते हैं विच आर एनफोर्सिबल बाय लॉ। देयरफॉर एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ? दैट एग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। वाइडर का मतलब जिसका दायरा बड़ा हो, जिसका नंबर ज्यादा हो, और जाहिर सी बात है एग्रीमेंट्स ज्यादा बनते हैं, और उन्हीं एग्रीमेंट्स में से केवल वही चुनिंदा एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसीलिए एग्रीमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नैरोअर टर्म। ये भी लिख लीजिए दोस्तों, मैं इस हिस्से को रब कर देता हूं। तो सवाल यहां पर, जवाब यहां पर, क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे, विच वन इज अ वाइडर टर्म, वाइडर कॉन्सेप्ट एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, और आंसर अब आप नोट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सवाल कोई पूछे तो जवाब मिनट में दे दीजिएगा। एग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई नंबर एग्रीमेंट का ज्यादा, इन्हीं एग्रीमेंट्स में से केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। देयरफॉर एग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, चलिए